अरे 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 गया। टेस्ट करते हैं इसका, इसका टेस्ट क्या है। देखिए ये पनीर है किस तरह से, Yeah. तो स्वागत है एक बार फिर से आपका। और आज जो है, आज का दिन कुछ खास होने वाला है, क्योंकि हमारे पास वो चीज़ है जो हर आदमी की पसंद होती है। अब आप लोग तो जाते ही होंगे बाजार में, बाजार में तो नहीं, डोमिनोज मैकडी तो जाते होंगे भाई। और फिलहाल हालांकि बंद है थोड़ा बहुत, माहौल मिल जाता है थोड़ा हमें भी घर पे। और आज कुछ मैंने ही ऐसा कुछ ट्रायल किया है, ट्रायल ही है मेरे लिए कुछ। मैंने तीन पिज्ज़ा है, एक ब्रांडिंग कंपनी है और एक लोकल ब्रांडिंग कंपनी, और ये मेरा घर में बनाया हुआ पिज़्ज़ा है। और फिलहाल ये घर वाला पिज़्ज़ा देख लीजिए, कुछ ऐसा बना हुआ है, थोड़ा ठंडा हो गया वीडियो के चक्कर में, लेकिन बढ़िया है, दिख रहा है। और घर में बना है, सस्ता बना है जुगाड़। और ये जो है डोमिनोस है, इसकी अनबॉक्सिंग देखिए। ये बिल है, ये बिल देखिए 583 रुपये का, मीडियम साइज़ है ये, मीडियम साइज़ है, एक्स्ट्रा चीज़ में वेजी लार्ज पिज़्ज़ा था और मैंने मीडियम साइज़ मंगवाया, 583 रुपये में पड़ा। और कुछ ये सॉसेस तो दी नहीं उन्होंने डोमिनोज ने, मसाले दे दिए इतने सारे, इतने बताओ। और फिलहाल दिखाते हैं आपको डोमिनोज का पिज़्ज़ा कैसा है ये पिज़्ज़ा। और ये देखिए, ये देखिए, ये देखिए भाई, कमाल है ना इतने। तो ये जो पिज़्ज़ा का साइज़ है ये मीडियम है, वेज पिज़्ज़ा है, एक्स्ट्रा चीज़ के साथ मैंने मंगवाया है, जो 583 रुपये का मुझे पड़ा है। और कुछ ऐसा है पिज़्ज़ा, और आपके सामने है, मेरी शक्ल नहीं दिख रही होगी लेकिन आप पिज़्ज़ा की ज़रूर देखेंगे और कुछ रिव्यू करेंगे इसका भी कि कौन सा बेस्ट लग रहा है। लेकिन फ़िलहाल की बात मैं करूं, फ़िलहाल एक पिज़्ज़ा हो रहा है आपके पास, ये पिज़्ज़ा मास्टर है करनाल की, एक लोकल ब्रांडिंग है। कुछ ऐसी सॉसेस इन्होंने हमें, एक मसाला दिया है मेरे ख्याल, एक टेस्टी पिक्सल चिली फ्लेक्स दिया और कुछ दो सॉसेस के पैकेट दिए। लेकिन मेरे पास मेरा ये हथियार है सबसे बड़ा, और इसकी जो है अनबॉक्सिंग ये देखिए, देखिए। अब आपको पता नहीं कैसा दिख रहा है, लेकिन मुझे तो ये लाजवाब दिख रहा है। क्यों? क्योंकि कुछ इसमें जो है स्वाद आपको मैं बताऊंगा कैसा आ रहा है। तो देखिए अनबॉक्सिंग तो आपके सामने हो चुकी है इस तीन तरह के खजाने की, एक घर का खजाना, एक टॉप नेशनल ब्रांडिंग कंपनी का खजाना और एक जो है लोकल ब्रांड की खजाना। अब आप कहेंगे कि शुरुआत कहाँ से करी जाए, मैं सोच रहा हूँ कि घर का तो मैंने खा चुका हूँ कई बारी, लोकल भी खाया है, डोमिनोज भी खाता रहता हूँ, लेकिन करीब काफ़ी टाइम हो गया जब से लोकल मार्केट में आए हैं। अब लोकल आपको पता है सस्ता पड़ता है, ये करीब मुझे पड़ा है 150 रुपये का, जो मेरी लोकल ब्रांडिंग कंपनी का है। और 150 रुपये में कुछ ऐसा पिज़्ज़ा है ये आया है, ये देखिए, इसी से शुरुआत करते हैं। और देखिए ज़्यादा तो नहीं है कुछ, लेकिन जो इसकी ये तंदूर में जो है ऐसा लग रहा है पूरा तंदूरी स्वाद है, और तंदूर में सेका हुआ और के खुशबू, वाह खुशबू ज़बरदस्त लग रही है। और बाप रे बाप, टेस्ट करता हूँ, चिली फ्लेक्स थोड़ी सी खोल ली है मैंने, थोड़ा सा जो मिर्ची पना भी तो चाहिए यार, लेकिन इसके बिना कहाँ चलेगा, हथियार अभी नहीं इस्तेमाल करना, वो बड़े साइज। ये वो गिर गया। तो वेल, ये जो है पिज़्ज़ा मास्टर का लोकल ब्रांड है, इसका जो स्वाद है, मैं जैसे कि हम कुछ फूली फूली जो खाते हैं ना, फूला फूला पिज़्ज़ा टाइप, जैसे हम रोटी होती है या नान होती है वो थोड़ी फूली होती है कई बारी, बिल्कुल तंदूर में जैसे फूल जाती है और
जो ये है क्रीम और मेयोनीज जो इसमें डाली हुई है, चीज़ मींस कि आप देखेंगे ना ये पूरा चिपका हुआ है कैसे, और मतलब कि तंदूर में पूरे अच्छे से बनाया हुआ है, और अच्छे में बनने के बाद हमारे पेट में जा चुका है और ज़बरदस्त चीज़ है। लोकल ब्रांड को भी हल्के में नहीं लेना चाहिए, चीज़ ये भी ज़बरदस्त है। और आपके सामने है बस पूछिए मत, डबल क्रीम का स्वाद आ रहा था, मेयोनीज क्रीम वो जो चीज़ डली थी, कुछ जो है फ्लैक कोली फ्लैक्स क्या कहते हैं मुझे इतना ध्यान नहीं पता, सब्जियाँ कुछ सब्जियों का टेस्ट था इसमें जो मुझे गजब लगा। अब मैं सोच रहा हूँ कि अब आपको ये डोमिनोज ब्रांडिंग भी दिखाई दूँ, उससे पहले थोड़ा सा इसको साइड कर दूँ। और ये देखिए ये है डोमिनोज का ब्रांडिंग। अरे 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 गया। वेल ये है डोमिनोज का ब्रांडिंग पिज़्ज़ा, वेजी पिज़्ज़ा एक्स्ट्रा चीज़ के साथ, और इसकी भी मैं टेस्ट करूँगा थोड़ा सा, थोड़ी सी चटनी ले लूँ। वेल साथ में ज़्यादा नहीं, और जो चिल्ली फ्लेक्स है ये भी ज़रूरी है, थोड़ा सा लिया भाई ज़्यादा मिर्चे नहीं। और वेल टेस्ट करते हैं इसका, इसका टेस्ट कैसा है। भाई गजब, इसमें जो इसकी जो ऊपरी पलट है ना, जिसे हम कहते हैं कि ऊपर जो है ऊपर सब्जियों का स्वाद है, और जो बीच में है उसमें पूरी एक्स्ट्रा चीज़ डली हुई है, और पूरा वेज जैसे हम सब्जियां खाते हैं सलाद के रूप में पूरा वैसा टेस्ट आ रहा है। और जो ये पनीर है, ये पनीर देखिए, ये पनीर है किस तरह से, मतलब कि पूरा तंदूर में भुना हुआ है, और ठीक है स्वाद। लेकिन अगर मैं बात करूं इस समय की, मुझे जो है लोकल ब्रांड का स्वाद बढ़िया लगा इसके कंपैरिजन, क्योंकि वो लार्ज पिज़्ज़ा का साइज़ देखिए लोकल का, और साइज़ के मामले में तो डोमिनोज नंबर वन है, ब्रांडिंग कंपनी है, इनका साइज़ अलग अपना मानना होता है, लेकिन जो स्वाद थोड़ा सा मेरे को वो ऐसा लगा क्योंकि उसमें डबल क्रीम डबल मेयोनीज डाल के अलग ही, जैसे हम पंजाबी में तड़का लगाते हैं ना मसालों का सब्जियों में, वैसा तड़का लगा के पिज़्ज़ा बनाया हुआ है। अब आप कहेंगे तड़का कैसे लग गया तंदूर में, तंदूर में भी एक तड़का होता है, तड़का मींस कि अगर आप तंदूर में जैसे आप लच्छा पराठा बनाते हैं तो लच्छा पराठा को कैसे बनाते हैं ये भी कभी देखा कीजिए, और कुछ ऐसा जो है इसका स्वाद वैसा लगा हुआ है बिल्कुल पंजाबी स्टाइल में, मसाले पूरे भरे हुए, इसका भी बढ़िया है। अब डोमिनोज के जो फैंस हैं वो बुरा ना मान जे भाई, लेकिन महंगा है क्योंकि ब्रांड है एक डोमिनोज, इन्जॉय कर रहे हैं हम भी, ठीक है। और पैसा वसूल हो सकता है अगर आप दीवाने हैं तो भाई मेरे लिए, लेकिन पैसा वसूल नहीं है इसमें, महंगा है थोड़ा इसलिए, लेकिन चीज़ है। और क्योंकि जो डोमिनोज है ना वो इस चीज़ के पैसे लेते हैं आपसे, ये साइज़ और ये जो पनीर के जो पीसीज है और ये जो सब्जियां है ना, कुछ ऐसे बनी हुई है ऐसे डाली हुई है, और ऐसे तंदूर कह लो ओवन कह लो किसी में भी ये इसको जो है गर्म करके
आप तक पहुंचाया गया है, और इसी चीज़ का जो डोमिनोस पैसा लेता है, और जो लोकल ब्रांड्स होते हैं उनके पास वो चीज़ें नहीं होती जो वो दे सके, लेकिन उनका स्वाद जो लोकल टेस्ट होता है वो थोड़ा हर कोई खा सकता है। मींस कि कोई छोटा आदमी भी, बड़ा आदमी, हर कोई वैल्यूएबल पर्सन जिसकी जेब में कुछ पैसे हैं थोड़े से, 70-80, इसमें तो स्मॉल साइज़ में आ जाता है 120-130, 140। हालांकि जोमेटो में मिलने के बाद ये 150-150 रुपये के करीब का पड़ा है मुझे, 160 रुपये के करीब का, और लेकिन बेहतर है ये, बढ़िया। और अब घर की मैं बात करूँ तो देखिए भाई, घर का पिज़्ज़ा है ये घर का है, घर का। और ये देखिए, एक साथ दो उठ गया। ये देखिए, घर में तो जो मर्जी डाल लो। अरे आजा 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 आजा। अरे देखिए, अरे आ ही नहीं रहा, देखो बताओ। अब देखिए मैं क्या करूँ, ये नाराज है कि मेरे को लास्ट में क्यों लिया। और इसका टेस्ट लेते हैं कि कैसा है। इस पर थोड़ी सी चिली फ्लेक्स डालूँगा, सॉस इसमें मैंने जो है जब बनी थी ना वैसे ही बहुत ज़्यादा डाल दी थी। और चिली फ्लेक्स ये देखिए, यार वाकई घर के सामने तो सब चीज़ें फेल हैं, लेकिन ये देखिए जो घर का पिज़्ज़ा है ना उसे आप अपनी निगरानी में बनाते हैं। आपको पता है आपको किस तरह का स्वाद चाहिए उस पिज़्ज़ा में, क्या आपने खाना है, क्या क्या चीज़ें आपके पास है, क्या आप डाल सकते हैं, और जो बाहर का है वो भी आपके हिसाब से आएगा आप जैसे चाहते हैं, लेकिन आप जो बनाते हैं और जो मंगवाते हैं ना उसमें बड़ा फ़र्क होता है। और बनाने और मंगवाने का फ़र्क हम आपको बता रहे हैं, ये घर की चीज़ है जिसका स्वाद मुझे नॉर्मली लगा इन दोनों के मुकाबले। अब क्या किया जाए, बस एक ये चीज़ होती है जो हम बाज़ार से डबल रोटी लाते हैं ना जिसमें हम पिज़्ज़ा की बेस तैयार करते हैं, घर में वो थोड़ी अलग हो जाती है। जो डोमिनोज जैसी ब्रांडिंग की इनकी बेस देखिए, इनकी बेस का कितना फ़र्क है। और हमारी बेस कुछ ऐसी है आपके सामने, और ये इनकी भी बेस देखिए, ये भी बेस बढ़िया है। और अब भैया जी कुछ ऐसा स्वाद रहा आज का तो शाम का, और आई होप्स कि आप भी स्वाद का आनंद ले रहे होंगे। अगर कुछ गलती हो गई हो तो आपके कोई ब्रांड को मैंने कुछ गलत बता दिया हो तो माफ़ कीजिएगा, लेकिन हर व्यक्ति का अपना अपना नज़रिया, व्यक्ति का अपना अपना स्वाद होता है। और मेरे हिसाब से ये भी नंबर वन है, मेरे डोमिनोज भी नंबर वन है आपके लिए, और लोकल ब्रांड तो हर उस आदमी के लिए नंबर वन है जो वो अफोर्ड कर सकता है। और इसी के साथ मिलेंगे आपसे अगले वीडियो में कुछ और जायकों के साथ, और बने रहिए हमारे चैनल अपना करनाल के साथ, और नई नई चीज़ें आपको दिखाते रहेंगे। लेकिन जाने से पहले मैं सोच रहा हूँ एक पीस और थोड़ा सा छोटा सा ले लूँ, कौन सा लूँ, ये ले लेता हूँ एक पीस स्मॉल, बस ये वो आपको मैंने अपना हथियार नहीं दिखाया ना, ये देखिए ये कुछ ऐसे तंदूर में, मतलब कि आपको लगता है कुरकुरा सा है ये लोकल ब्रांड का। और ये है हथियार, ये हमारा हथियार, इसको मैंने लास्ट में इस्तेमाल किया ताकि गुड बाय अच्छे से हो सके। और मिलते हैं अगले वीडियो में, देखते रहिए हमारा चैनल, पसंद आया तो सब्सक्राइब भी कर दीजिए,
कमेंट आपका दिल है करना हो तो लाइक तो ज़रूर कर दीजिएगा। मिलते हैं अगली किसी डिश के साथ, फिलहाल के लिए धन्यवाद, बाय बाय। अरे 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 गया क्या सर? वो इस चीज के पैसे लेते हैं आपसे, ये साइज और ये जो पनीर के हैं हथियार। Yeah.